अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हैवी बाइक्स के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो लोकेशन के हवाले से आपको बताता चलूं कि मेन मरी रोड के ऊपर जो वारिस खान थाना है उस रोड के अंदर इनका शोरूम है। आपको मैं लोकेशन गाइड करने के हवाले से फुटेज भी दिखाऊँ। ये मेन मरी रोड है, मेट्रो का ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदर आएँगे, बिल्कुल 50 मीटर आप अंदर आएँगे तो ये यहाँ पर इनका शोरूम है। आज मेरा नाम है, यूनाइटेड ऑटो से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, आपको आइए स्टॉक दिखाते हैं। अभी बाइक का हमारे पास अवेलेबल है, ये लिफान का 250 सीसी है, जिमको का मॉन्स्टर बोलते हैं इसको, जिमको वालों ने इंपोर्ट कराया था। ठीक है, ये सेल हो गया है। वैसे इसकी प्राइस 8,25,000 रुपये थी। 250 सीसी है ये। इसके बाद हमारे पास नई शिपमेंट आई हुई है वैलेंटिनो में, ब्रांड इटालियन होता है, असेंबल चाइना का होता है। ये 350 सीसी है, ये ड्यूल सिलेंडर है और इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं जी 9,25,000 रुपये। ये कावासाकी H2 की कॉपी बनवाई हुई है लॉन्सन से, और ये 250 सीसी है, सिंगल सिलेंडर है, ये सोलो सेल्ड आउट हो गया। तो प्राइस क्या है इसकी? ये सेल हुआ था सर 3,75,000 रुपये का। ये ब्रांड भी इटालियन है, असेंबल भी चाइना का, ये लॉन्सन की ये बाइक है 250 सीसी सिंगल सिलेंडर। उसके बाद और ये 0 मीटर कलर स्कीम है, ये भी पाकिस्तान में पहली बार आई है। ये कुछ वाइट एंड ब्लू और ब्लैक का कम्बिनेशन है। ये भी 350 सीसी है, ड्यूअल सिलेंडर है, वाटर कूल के साथ है, सेम स्पेक्स हैं वो वैलेंटिनो 350 वाले, ऑरेंज वाले, और इसकी प्राइस भी 9,25,000 रुपये। ठीक, तो ये सब कैश बेसिस के ऊपर आएंगे? कैश पे भी होते हैं, हमारे पास इन्वेस्टर होते हैं, वो लीज पे भी फिर आपको हम करा देते हैं। अच्छा, इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पर क्या आप लेते हैं? इसके लिए होता है 50% एडवांस होता है, दो पिंडी के ग्रंटर होते हैं और एक आपका क्रॉस चेक होता है। ठीक हो गया। ये यामा R1 की रेप्लिका है, ये 400 सीसी में है, वाटर कूल्ड है, ड्यूअल सिलेंडर है और डिजिटल मीटर है इसका। आए आपको मीटर का इसका डिस्प्ले चेक करवाते हैं। ये 400 सीसी है और जो है ना कार्बोरेटर बेस्ड ये मशीन है, इसकी बैटरी लो हुई है, नहीं तो आपको साउंड चेक करवा देते। इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 8,75,000 रुपये। ठीक है, पाकिस्तान में शोर ज्यादा पसंद किया जाता है, यहाँ पे एग्जॉस्ट भी चेंज कर देते हैं लोग, ओरिजिनल एग्जॉस्ट तो नजर ही नहीं आता आपको किसी बाइक में। ठीक, हैवी बाइक लेने का पर्पज यहाँ पे दो होते हैं, एक लुक होती है और एक आपका साउंड होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ब्लैक कलर में, इसके बाद ये ब्लैक कलर में CBR की कॉपी है, CBR 600 की 250 सीसी में है। ये मॉडल कौन सा है? ये 2019 मॉडल है, सिंगल सिलेंडर है ये बाइक, 3 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं यूज में ये बाइक है। अच्छा, ये सिंगल सिलेंडर है। ठीक है, 250 सीसी है, 250 सीसी है सिंगल सिलेंडर। तो होंडा से तो व्यूअर्स कम से कम बेहतर ही है, क्योंकि देखें 2.5 लाख रुपए अगर ये डिमांड कर रहे हैं, आजकल होंडा भी पौने 2-2 लाख रुपए तक चला गया और वो भी 150 सीसी होता है और आपको आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास R3 का रेप्लिका अवेलेबल है, ये भी किसी का बुक हो चुका हुआ है और ये ड्यूअल सिलेंडर है, फ्रंट पे ABS ब्रेक के साथ है, ग्रॉस का इस पर एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ड्यूअल सिलेंडर, ABS ब्रेक, वाटर कूल्ड, 2017 का ये मॉडल है और लाहौर रजिस्टर्ड है, 350 सीसी। इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे थे 4,75,000 रुपये। ये सेल हो चुका हुआ है, 350 सीसी है ये, वैलेंटिनो का ड्यूअल सिलेंडर के साथ है, कैश गार्ड इस पर इंस्टॉल्ड है, क्रपावे के एग्जॉस्ट इस पर इंस्टॉल्ड है, लाहौर का ये रजिस्टर्ड है और इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 6,30,000 रुपये। इसकी साउंड चेक करवाएंगे आप? जी, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ।
व्यूअर्स, अभी तक आपने 250, 350 सीसी देखे हैं, अब हम कवर कर रहे हैं अबव देन 1000 सीसी। तो ये पहला बाइक आप देख रहे हैं जी, सर बताएंगे कुछ डिटेल्स इसकी। सुजुकी मॉडल है, सुजुकी का हायाबुसा 1300 सीसी है, 2014 का ये मॉडल है, सांबार रजिस्टर्ड है ये, और इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं जी 27,50,000। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सुजुकी का 750 सीसी फुली कस्टमाइज है, 2013 का ये मॉडल, लाहौर का नंबर इसको लगा हुआ है, और इसकी प्राइस हम डिमांड करें 25,50,000 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान का, मतलब कह लें आप, गोल्ड प्लेटेड जिक्सर 1000, पहला गोल्ड प्लेटेड है, इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 35,00,000 रुपये, फुली कस्टमाइज है, पूरा इसका पेंट ब्रश दुबई से कराया गया, बाहर से कराया गया, 250 फैट टायर किट लगी हुई है इसमें। अच्छा, ये इसकी साउंड चेक कराएंगे किसी एक के बीच में? जी मैं करा दूँगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 750 2016 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है ये, अनरजिस्टर्ड है, फुली कस्टमाइज है ये, 30,00,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसको थोड़ा रेस दें जरा, और ये मॉडल कौन सा है? इसके बाद हमारे पास है सुजुकी बैंडिट 650 2014 का ये मॉडल है, और इसकी प्राइस हम डिमांड करें 20,00,000 रुपए, अनरजिस्टर्ड है ये, सही है। इसके बाद यामा का R6 है, 2009 मॉडल है, डैश गार्ड इस पर इंस्टॉल्ड है, M4 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसकी प्राइस हम डिमांड करें 15,75,000। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ स्कूटीज भी इनके पास हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये पेट्रोल के ऊपर चलती हैं, तो इनसे इनकी डिटेल पूछते हैं। सर कौन सा, ये कंपनी कौन सी है, चाइना की है? सर ये यामा की स्कूटी आती है जोक के नाम से, ठीक है, ये उसकी रेप्लिका है, जॉन्शन की ये जो है ना स्कूटीज हैं, सही है, ठीक है, और 110 सीसी हैं, और इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 2,50,000 रुपये। अच्छा, 2,50,000 रुपये में, तो ये एक लीटर में कितना? एक लीटर में आपकी 40-45 किलोमीटर चलेगी। अच्छा, ज़्यादातर कस्टमर हमसे आके पूछते हैं यार 49 सीसी हमें दे दें, जापानी दे दें, मैं कस्टमर को मना करूंगा कि वो एक तो नॉन कस्टम होते हैं, इलीगल हैं, बॉर्डर पास से आती है, चमन से आती हैं या इधर उधर से आती हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट नहीं होते। सही है। और ज़्यादातर स्कूटीज का रुझान क्योंकि लेडीज़ के लिए होता है, लेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी बात नहीं, कस्टम वालों ने या पुलिस वालों ने लेडीज़ को रस्ते में कहीं भी रोका, एटलीस्ट ये लीगल चीज़ से आप 2,50,000 रुपये अगर लगा रहे हैं तो इसको कस्टम केस के आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, अगर आप ये स्कूटी रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो भी हो जाएंगे। अच्छा, ये जो बड़े एंटीक किस्म की दुबई वगैरह में मैंने अक्सर देखी है, ये स्पोर्ट्स बाइक है ना? ये क्वाड बाइक बोलते हैं इनको, फोर व्हील, ये टॉयज वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, बच्चे यूज करते हैं, या फिर क्या प्राइस है इसकी? सर ये 2,00,000 रुपए का है। अच्छा, इसके बाद इनका दूसरा वेरिएंट है जो कि मार्केट में 150 सीसी के नाम से सेल होता है, एक्चुअली होता है 125 सीसी, इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 2,30,000। एक ये बड़ा एंटीक बाइक आपको पड़ा है, जैसे वो पुलिस वालों ने रखा होता है ना? जी, ये सुजुकी का M109R है, बुलेवर्ड बोलते हैं इसको, 2013 का ये मॉडल है, और इसकी प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 27,00,000 रुपए। अच्छा, व्यूअर्स, ये 1800 सीसी है, सब बाइक से ज्यादा सीसी इस बाइक का है, तो होपफुली आपको व्यूअर्स आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे व्हाट्सएप नंबर और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चल रही हैं, वो मेंशन है, जो भाई जो लोग इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें चाह रहे हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। लोकेशन मैं आपको फिर से बताता जाऊँ कि मेन मरी रोड के ऊपर थाना वारिस खान की, आप गूगल पर लोकेशन डालेंगे तो इसी रोड के ऊपर इनका शोरूम है यूनाइटेड मोटर्स के नाम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।